कुलदीप जी, इस पर मेरा आपसे जवाब मैं चाहूंगी, क्योंकि आप एक तरफ कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक बड़ा मुद्दा यहाँ यमुना की सफाई और प्रदूषण, ये बड़े मुद्दे हैं जिसको बार बार बीजेपी सामने रख रही है। लगता है आपको ये मुद्दे आपको डैमेज कर जाएंगे विधानसभा चुनाव में? अर्पिता जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा बस। पहले तो मैं एक बात फिक्स कर दूं, नरेश बालियान जी वाली जो बात कर रहे हैं, नरेश बालियान जी ने 19-12 की मेरे पास रिसीविंग है 2022 की, ये कंप्लेंट दी हुई है, कंप्लेंट अगेंस्ट द नंदू गैंगस्टर एंड इज द गैंग ऑफ थ्रेटिंग टू द एलिमेंट एंड द वरियस ऑफ अदर ऑफेंस। ये कंप्लेंट जो नरेश बालियान जी ने दी हुई है इनके पुलिस को कि नंदू गैंग जो है वो उनको धमका रहा है, उनके परिवार को मारने की, जान से मारने की धमकी देने का काम कर रहा है, लेकिन इन लोगों ने उस पर कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात, जिस उसमें इन्होंने गिरफ्तारी करी है रिकॉर्डिंग पे, उस रिकॉर्डिंग पे ऑलरेडी कोर्ट का स्टे है, मैं आपके चैनल पे बता दूं। लेकिन आज जो कानून व्यवस्था का हाल दिल्ली के अंदर अमित शाह जी ने कर दिया है, आज जो कानून व्यवस्था का गुप्ता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अरे विजयन जी रुक जाइए, मैं गुप्ता जी आपके बीच में नहीं बोला, आप ना बोले, आप बड़े वरिष्ठ नेता है, मैं बीच में ना बोले। पहली बात, जिस प्रकार से आज अमित शाह जी ने दिल्ली का कानून व्यवस्था का हाल कर गया है, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से आज वो अरविंद केजरीवाल जी अगर मिलने जाते हैं नांगलोई में किसी व्यापारी से, जहां उसके उसके घर पे गोलीबारी होती है, दुकान पे गोलीबारी होती है, अगर वो पंचीर पार्क में जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को रोकने से क्या होगा भाई? दिल्ली में क्राइम रोकने की जिम्मेदारी आपके पास है। दिल्ली में दो सरकारें हैं, मैं इनको बता दूं, एक केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी हुई है जिसके पास जिम्मेदारी थी कि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करे, एक अरविंद केजरीवाल जी की आधी अधूरी सरकार है जिसके पास जिम्मेदारी थी कि वो दिल्ली के कामों को करे। हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे करे अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के अस्पताल अच्छे, अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को बसे फ्री यात्रा दी अरविंद केजरीवाल जी ने, गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, घर घर तक पानी पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, 24 घंटे बिजली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, अच्छे अस्पताल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, दिल्ली में सैकड़ों काम करने का काम किया। लेकिन एक काम भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह जी को दिल्ली के लोगों ने दिया था, दिल्ली की कानून व्यवस्था का देने का काम किया था, लेकिन इन्होंने उस पर कोई काम करने का काम नहीं किया। अभी मैं आपको बता दूं, मुखर्जी नगर इलाके के अंदर एक बुजुर्ग की पेशकश घोर के हत्या कर दी जाती है, पंचशील पार्क में 64 वर्ष के बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है, लोग मौन है। दिल्ली में जगह जगह गोलीबारी हो रही है, व्यापारी को धमकाया जा रहा है, आम लोगों को धमकाया जा रहा है। मेरे फेस 3 के अंदर अभी जिस विधानसभा से मैं आता हूं, वहां पर कुंडल खींच के ले गए कान के एक महिला के, एक बुजुर्ग महिला के, और उनका कान तक कट गया। हमारे अभी कल्याणपुरी के अंदर 2 लोगों को खुलेआम उनका मर्डर कर दिया गया। लेकिन क्या हो रहा है ये? आज अमित शाह जी मौन है, अमित शाह जी बोल नहीं रहे, उनके बाद दिल्ली के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, लेकिन अमित शाह जी ने क्या किया? अमित शाह जी का ध्यान है आम आदमी पार्टी के विधायकों कैसे उठाएं, उनको कैसे अरेस्ट करें, अरविंद केजरीवाल जी पे हमले कैसे करवाएं, अरविंद केजरीवाल की हत्या कैसे करवाएं। अगर वो थोड़ा सा समय भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पे लगा लेते तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं हमारी दिल्ली की माताएं बहनें बेटियां बुजुर्ग आज सुरक्षित हो जाते और एक सुरक्षित दिल्ली हो जाती आज। विजेंद्र गुप्ता जी, ये नौटंकी शुरू कर दी इन्होंने चुनाव आते ही। अरे पॉल्यूशन और यमुना का प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, और ये लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हो गया, नरेश बालियान ने 12-22 सफाई, मतलब एक तरफ गैंगस्टर्स की सफाई दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं 22 में ऐसा हुआ, 23 में ऐसा हुआ, फिर वो उनसे मिला, वो उनसे नहीं मिला, वो उनको तंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, सब पता है इनको कौन लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक ही वोट पे सवार है सब। पुलिस कपिल सागवान को नहीं पकड़ पाई, नरेश बालियान को पकड़ लिया आपकी पुलिस ने, इन्होंने जो इसके खिलाफ शिकायत की उनको नहीं पकड़ पाई, गैंगस्टरों को, ये दिल्ली के लोगों को धमका रहे उनको नहीं पकड़ पाई आपके बारे में, आप इनका दरबार बैठे हैं जी। कुलदीप जी पॉल्यूशन पर बताइए, जो बात आपसे पूछ रही है अर्पिता जी वो बताइए, यमुना क्या बताइए? नहीं सर, एक काम कर लेते हैं ना, सवाल के जवाब में सवाल अगर होगा तो जवाब उसका मिलेगा कैसे? ठीक है, कुलदीप जी से मैं एक बार फिर से वो सवाल पूछ लूंगी, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली में सुरक्षा देने की जिम्मेदारी तो केंद्र की थी, बावजूद ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर हमले हो जा रहे हैं, इसको लेकर आप जवाब दीजिए, उसके बाद यमुना और प्रदूषण पर एक बार फिर से कुलदीप जी से जवाब लूंगी। आप मुझसे सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप ठीक है सवाल मुझसे कुछ करेंगे, मैं जवाब कुछ दूंगा तो ऑब्जेक्शन तो होगा। ठीक है विजयन जी, इसका जवाब अब आप देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सारी परिस्थिति को संभालने के लिए
पूरी पूरी तरह से मुस्तैदी है। अभी G20 हुआ था, इन्होंने ही आम आदमी पार्टी ने घोषित किया था कि जो पुलिसमैन अच्छा काम करेगा हम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे, जिसको अगर पुलिस मैन अपनी ड्यूटी करते हुए उसकी मौत हो जाएगी तो हम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। इन्होंने कोई 48 करोड़ रुपया एक एक 48 लोगों को दिया है लगभग। तो एक तरफ आपने जब खुद अवार्ड रिवॉर्ड दिया है 1-1 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ G20 में जो एप्रिसिएशन पूरी दुनिया से मिला वो आपके सामने। तीसरा हमारा ये कहना है कि क्राइम कोई आज एक दिन या दो दिन का विषय नहीं है, ये एक निरंतर सतत प्रक्रिया है जिसपे कंट्रोल करना, उसे कम करना, उसे रोकना। लेकिन हाँ, अब आप बताइए, रोहिंग्या के वोट बनवा रहे हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट बनवाते हैं, उनको संरक्षण देते। आज दिल्ली में जितना अतिक्रमण इनके सत्ता में आने के बाद हुआ है रोहिंग्या का और बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जो दंगे हुए उसमें ताहिर हुसैन इनके काउंसलर थे जो जेल में है, नरेश बालियान जो अभी पकड़े गए वो गैंगस्टर्स के साथ फिरौती के काम में लगे हुए हैं। तो ये एक तरफ खुद उस सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज का पार्ट है और दूसरी तरफ ये सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि रोहिंग्या दिल्ली में अगर क्राइम की बात होती है तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आती है। अगर स्वाति मालीवाल को केजरीवाल जी के घर में ही पीटा जा रहा है, वही महिला सुरक्षित नहीं है, तो ये महिला सुरक्षा की बात किस नैतिकता से कर रहे हैं? पहले तो ये बता रहे क्या उदाहरण पेश किया इन्होंने। वास्तविकता तो ये है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है इनका, क्योंकि चुनाव आ गए और इनको लगता है कि इनके, क्योंकि देखिए आंकड़े भी मैं कुछ आपके सामने रख दूंगा, रेप के केस ही केवल देख लें राजेंद्र गुप्ता जी, ठीक है, आज कोई आप उसमें अगर G20 गिनाते हैं तो वो नहीं, बात सुरक्षा की है। और रेप के आंकड़े देख ले तो 2011 में 572 मामले सामने आए थे, 2012 में 706, 2013 में 1636, 2014 आते आते 2166 और 2021 आते आते 2000 से ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं। सर केवल रेप के आंकड़े में बता रही हूँ, कितनी सुरक्षित है दिल्ली, ये आंकड़े बता देंगे दिल्ली पुलिस के आंकड़े। सर मैंने आपको बताया ना कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, क्राइम है, उस पर कोई कोई बहस का मुद्दा नहीं है। ये क्राइम बहस का मुद्दा नहीं है। मैं आपकी बात को एडमिट करता हूँ कि क्राइम, जो क्राइम की बात आप कह रहे हैं उसके ऊपर मुस्तैदी से काम हो रहा है और सर, काम अगर हो रहा होता तो जो 2008 में आंकड़ा, 2011 में 572 था सर, वो 2021 आते आते 2000 से ऊपर कैसे हो गया? अगर काम हो रहा है तो मैं आपके सवाल, आप ही जो बोल रहे हो उसी को बात बढ़ा रही हूँ। अर्पिता जी एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जब चुनाव प्रदेश का है, चुनाव में मुद्दे लोकल है, क्योंकि पुलिस इस चुनाव में मुद्दा इसलिए नहीं है, नहीं तो सर क्राइम की बात नहीं करूं। एक मिनट मेरी भावना सामने आने दीजिए, फिर आप अपना बोलिए। हाँ। ये सिर्फ इसलिए इन्होंने, ये 5 साल ये बात करते हम इनकी बात को अप्रिशिएट करते, 10 साल ये बात करते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने ये कह दिया कि क्राइम की बात मत कीजिए, क्या क्राइम बीजेपी के लिए बहुत छोटा मुद्दा है? खुलेआम हत्याएं हो रही है, क्या क्राइम बहुत छोटा मुद्दा है बीजेपी के लिए? कुलदीप जी रुके, अगर ये अपने मुद्दों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं तो हम इनको सीधा जवाब देना जानते हैं। ठीक है विजयन जी, हो गया, मैं अब आप उनको छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं हो रही है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर, आप ये कह रहे हैं कि क्राइम बड़ा मुद्दा है ही नहीं, इस पर बात करनी नहीं चाहिए। क्राइम हमेशा बड़ा मुद्दा है, ठीक है, अगर बड़ा मुद्दा है और आप कह रहे हैं इस पर काम हुआ है सर, अचानक बड़ा मुद्दा नहीं है, क्राइम हमेशा बड़ा मुद्दा है, ठीक है, हमेशा बड़ा मुद्दा है, आप कह रहे हैं इस पर काम हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2011 में रेप का आंकड़ा 572 था, 2021 आते आते वो 2000 से ऊपर कैसे हो गया? आप कह रहे हैं काम हो रहा है तो कैसे काम हो रहा है? बात करिए 2001 की, बात करिए 2000, लेकिन ये 10 साल में जो दिल्ली में सरकार आई है ये तो तय है कि इन्होंने जिस तरह से, मैं कहता हूँ आज NRC लाए दिल्ली से, आपने बोल इतने क्राइम हो रहे हैं ना, ये हमारे लिए मुद्दा है, 70% क्राइम में रोहिंग्या हमारे लिए मुद्दा है, दिल्ली में क्राइम का हमारे लिए मुद्दा है, रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोगों की हत्या हो रही है हमारे लिए मुद्दा है, हमारी जिम्मेदारी है। आइडेंटिफाई करिए ऐसे लोगों को जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, आपके सामने दूध का दूध और पानी का, एक तरफ आप उनको बढ़ावा देंगे,
एक तरफ आप उनके वोट बनाएंगे, एक तरफ आप उनको शेल्टर देंगे। ठीक है, ये जो ब्लेम गेम है इससे ही राजनीति उभर नहीं पाती ऊपर। आशुतोष जी, ठीक है, मैं जरा आपसे ये समझना चाह रही हूँ, ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी आ रही हूँ, क्योंकि दो मेहमानों के पास मैं जा भी नहीं पाई हूँ, संगीत रागी और आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी, ये ब्लेम गेम, एक एक आम नागरिक के तौर पर इतनी हत्याएं हो रही है तो रोहिंग्या का मुद्दा खड़ा हो जाता है, प्रदूषण की बात होती है तो दूसरा फैला देता है, यमुना गंदी तो ये तीसरा आ गया, तो ये जो आपस की ये लड़ाइयां चल रही हैं, इसमें आम जनता क्या करे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के बाद, चुनाव के बाद कोई कुछ सीखा है। झारखंड में तो बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की गई, प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कहा कि वो हमारी लड़कियों को उठाकर लेके चले जाएंगे। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा यह झूठ है, और भारतीय जनता पार्टी और बुरी तरीके से हारी, और 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस का हुआ। अब अगर दिल्ली में इसी तरीके से रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए, अगर ये सब मुद्दे खड़े किए जाएंगे बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी की पिछली 11 साल की सरकार को आप उस पर उनको ठोकने का काम करिए ना, और रोहिंग्या बांग्लादेशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था किसके हाथ में? देश के दूसरे सबसे पावरफुल आदमी अमित शाह के अंदर में है, फिर भी यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई, तो आपने एडमिट कर लिया ना कि आपकी गलती, आप नहीं हैंडल कर पा रहे रोहिंग्यास को, आप नहीं हैंडल कर पा रहे घुसपैठिए को। तो इस पिच पर अगर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो ये मुझे उसी तरीके से याद दिलाती जब 2014 के 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग तो अर्बन नक्सल है, इनकी जगह जंगल में फेंक दीजिए। कितनी सीटें आई थी? 3 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पिछले 11 सालों में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया या काम नहीं किया उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले कि 1993 में पहली बार सरकार में आई थी, 1998 के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार में नहीं है। लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी, लगातार 3 बार यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो मदनलाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद से यहाँ कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं हुई। वो गलत मुद्दे उठाती रही, वो गलत चीजों को उठाती रही, और इसी वजह से बीजेपी तो 2015 में सिर्फ 3 सीट जीती एक ऐसी पार्टी से जिसका वजूद ही 2 साल पहले आया था, और 2020 में सिर्फ 8 सीट जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हिंदुस्तान के किसी चुनाव में नहीं हुआ कि जब उनका सितारा चमक रहा था, जब वो सब कुछ कर रहे थे, तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब थी कि वो सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, 2020 में सिर्फ 8 विधानसभा की सीटें जीत पाई। तो प्रश्न वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि गलत मुद्दे उठा रही। जब जब आप रोहिंग्या का सवाल खड़ा करेंगे दिल्ली के अंदर तो दिल्ली का आदमी कहेगा ठीक है, लेकिन आशुतोष इस पर भी जवाब दीजिए, प्रदूषण की होती है, यमुना की होती है, तो किसकी जवाबदेही बनती है? यहाँ ब्लेम गेम सिर्फ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर नहीं लगाती, आम आदमी पार्टी भी हर चीज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार थमाती है, तो ऐसे में जो दिल्ली वासी वो क्या सोचे? देखिए, ये सवाल तो अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए था, उन्होंने ही ये कहा था कि हम आएंगे तो यमुना को साफ कर देंगे। ये तो बीजेपी के लोगों ने नहीं कहा था, ये तो उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हम आएंगे तो प्रदूषण साफ कर देंगे। प्रदूषण क्यों नहीं साफ हुआ? यमुना क्यों नहीं साफ हुई? ये वो मुद्दा है जिस पर दरअसल इस दिल्ली के विधानसभा का चुनाव का की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप 11 साल से दिल्ली के अंदर रहे, आप मुख्यमंत्री रहे, अब आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लगातार केंद्र सरकार से आपका झगड़ा क्यों चल रहा? जब एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार झगड़े की मुद्रा में रहेगी तो ना तो दिल्ली का कोई काम होगा और ना दिल्ली के लोगों का कोई काम होगा। लेकिन संगीत रागी जी, फिर एक सवाल ये भी, अगर इसको राजनीतिक तौर पर देखें, कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का ना साथ आना एक तरीके से बीजेपी को फायदा दे जाएगा, ऐसा लगता है या लगता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी मजबूत है अपने आप? देखिए अर्पिता, यदि लोकसभा का पैमाना रखें तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी लगभग 52 सीटों पर चुनाव जो है वो एज था, 52 सीटों पर विधानसभा का ज्यादा था,
और कांग्रेस पार्टी जब 2015 में चुनाव लड़ी थी, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो 62 सीटों पर उसके जमानत जब्त हो गए थे। कांग्रेस पार्टी का आप हाल समझ सकते हैं कि दिल्ली प्रदेश की राजनीति में क्या है आज के दिन में भी। जब दोनों साथ इकट्ठा होकर के आए तब भी एक सीट भी दिल्ली में जीत करके नहीं आए, तो इनके साथ होने से और न साथ होने से कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी गवर्नेंस नहीं दे पाई है, और दूसरी बात यदि आप ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति में एक नए रसूख, एक नए 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 चरित्र को लेकर के आई थी, जिसमें आशुतोष ने भी अपने पत्रकारिता की बलि दी और आशुतोष जैसे कई लोगों ने अपने नैतिकता के तकाजे में आकर के अपने पूरे करियर को चौपट किया, लेकिन वही आम आदमी पार्टी राजनीति के गंदगी में इतनी डूबी हुई है। इस 30 महल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है इसको जमीन की लड़ाई बिल्कुल ही लड़ने में जो है असक्षम रही है। आपकी लड़ाई कोई और लड़ रहा है, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, रोज तकरार किससे हो रहा है, एलजी से हो रहा है। आप यदि अरविंद केजरीवाल के घर में घुस जाते, जो आशुतोष ने, आपको ध्यान होगा कि जब आम आदमी पार्टी की लड़ाई चल रही थी दिल्ली में, तो यही आशुतोष यहां पर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय ऑफिस की गेट क्रैशिंग की थी, तड़प करके हुए था, तब इनकी पिटाई हो गई थी और बात है, चोट लगी थी इनको, ये और बात है। लेकिन राजनीति में है तो ऐसे जमीनी लड़ाई आपको लड़नी चाहिए। आप किसके थ्रू लड़ रहे हैं? जो सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी नेतृत्व जो दिल्ली प्रदेश है वो बिल्कुल असक्षम रहा है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। एक और बात है, रोहिंग्या का मुद्दा और बांग्लादेशियों का मुद्दा, आशुतोष ये आप एक कैंसर को पाल रहे हैं देश में, आज आपको नहीं ये सूझ रहा है, और मैं मानता हूं कि इसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी सभी इसके लिए जिम्मेदार है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी भी बहुत रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, ये सबका, ये देश की सुरक्षा का मामला है। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं आ रहा है?